नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा डॉट कॉम। इस वक्त हम मौजूद हैं रानिया में और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि नगर निकाय चुनाव के आज नतीजे आ चुके हैं। मनोज बाबा है वो चुनाव जीत चुके हैं 818 वोट से। इस वक्त हम उनके घर में मौजूद हैं जहाँ खुशी का माहौल है। हमारे साथ काफ़ी संख्या में जो महिलाएँ हैं, मनोज बाबा हैं, उनकी धर्मपत्नी भी है जो लगातार वोटों में अलग अलग वार्ड में जाते रहते हैं, उनकी दादी भी हैं हमारे साथ, उनकी बेटी भी हैं, तमाम जो लोग हैं परिवार के हम उनके सदस्य हैं, हम उनसे चर्चा करते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, जिस तरह से आपने चुनाव शुरू किया लेकिन आज नतीजे आ चुके हैं, जीत आपकी हो चुकी है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगी कि रानिया वालों का बहुत प्यार मिला, बहुत समर्थन दिया उन्होंने, बहुत प्यार दिया, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आगे उम्मीद करती हूँ ऐसे ही प्यार करते रहेंगे। तो महिलाओं से जो वादे किए, क्या लग रहा है कि निश्चित तौर पे वो पूरे किए जाएंगे? बिल्कुल जी, निश्चित तौर पे उनकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा, उनकी हर प्रॉब्लम सुनी जाएगी। धन्यवाद। हमारे साथ कुछ और महिलाएं भी हैं, उनकी बहन हैं जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये अकेले मनोज सचदेवा की जीत नहीं है, ये पूरे रानिया वासियों की जीत है। हम सभी रानिया वासियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने उसको इस सीट पे बिठाया, और अब उन्होंने अगर मौका दिया है ना मनोज सचदेवा को, तो वो उसको रियली अजमाएं कि वो हर जो उसने वायदा किया है, जो बात की है, वो उस पर खरा उतरेगा और सक्सेस प्राप्त करेगा। धन्यवाद। हमारे साथ उनकी दादी भी हैं जी। हाँ जी, माता जी क्या कहना चाहेंगे इस चुनाव जीत को लेकर के? हाँ जी, मैं तो ये कहती हूँ मेरा बेटा बस सब कामों में सफल हुआ भी है और होगा, और सब काम खुशी से सब करेगा, सारे काम होंगे। हाँ, रानिया वालों को एक बहुत ईमानदार, बहुत ही सच्चा इंसान मिला है जो राजनीति में बहुत जरूरी था, और मुझे बहुत खुशी है। बस इसके अलावा तो इस चुनाव में क्या बड़े फैक्टर मानते हैं आप, तो लोगों के बीच भी जाते रहे, क्या बड़े फैक्टर थे इस चुनाव में, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे महिलाओं को, महिलाओं ने जो वोट किया वो क्या किस उम्मीद को लेकर के किया कि मनोज बाबा हैं वो पूरे करेंगे? सेफ्टी, सफाई, पार्कों की व्यवस्था, सब कुछ, सब मिली जुली बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो पूरी की जाएंगी। जी, हमारा भाई बन गया, बस हमें बहुत ज़्यादा खुशी है। हाँ जी, यस, वी हैव सीन दैट फॉर गर्ल्स चाइल्ड इट इज नेसेसरी एंड वी अश्योर दैट ईच एंड एवरी डिमांड विल बी फुलफिल्ड। There is a one saying that example is better than percept, and our Sarpanch uncle is there. He has been fulfilling the demands of public, so there is no need of any explanation. We assure that each बातें पूरी की जाएंगी। हाँ जी, definitely. ये थे हमारे साथ महिलाएं जी, आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? हाँ जी, ये मनोज सचदेवा की ही जीत नहीं, पूरे रानिया वासियों की जीत है। इसके साथ सबसे पहले तो ये छोटी सी बच्ची ने पार्क में झूले के लिए कहा, सबसे पहले तो पार्क में झूले लगेंगे, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जैसे ही लोगों की कोई डिमांड होगी सबसे पहले वही होगी। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ उनके पारिवारिक सदस्य। लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।